चार दिन पहले महाकाल मंदिर के आसपास खड़े वाहनों में देर रात तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को पुलिस ने वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले इन बदमाशों का जुलूस निकाला। चलो दरअसल बीते बुधवार को इन बदमाशों ने देर रात को महाकाल मंदिर क्षेत्र में उत्पात मचाया था। मंदिर के आसपास खड़े दर्शनार्थियों के वाहनों सहित यहां आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के घर के बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ कर दी और एक बस सहित करीब आधा दर्जन से अधिक वाहनों के कांच फोड़ दिए थे। इन गुंडों ने जिन 7 वाहनों में तोड़फोड़ की थी उसमें एक तीर्थ यात्री बस और एक पुजारी की कार भी शामिल थी। वारदात से पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि महाकाल मंदिर क्षेत्र शहर का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है और यहां इस प्रकार की घटना हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। थाना महाकाल पुलिस ने वारदात की रात के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों की धर पकड़ शुरू की। कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 नाबालिग है। पूछताछ में जानकारी लगी कि बदमाशों की 2 गैंग आपस में भिड़ी थी, जिसके बाद कुछ बदमाशों ने शराब के नशे में क्षेत्र में रखे वाहनों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने बुधवार को सभी बदमाशों को घटना स्थल पर ले जाकर तस्दीक की और मामले से संबंधित पूछताछ की। वीवीएस सेंगर, सिटी चैनल, उज्जैन। 9 अक्टूबर बासी दशहरा के दिन विकास कहार का झगड़ा सावन और कार्तिक कहार आदि से हुआ था। इनकी मारपीट हुआ था, जिसमें विकास को चाकू मारा था। उसी झगड़े के कारण रात्रि में ये दोनों पक्ष लड़े और दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर पथराव भी किया गया और उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। साथ ही इनके द्वारा अन्य जो गाड़ियां आसपास खड़ी हुई थी उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो उसी तारतम्य में आज सभी दोनों पक्षों के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आज घटनास्थल का सत्यापन किया गया है।